सो फाइनल दोस्तों, नोकिया 6300 कीपैड 4G फीचर फोन को फाइनली लॉन्च कर दिया गया है एक बहुत ही कमाल के प्राइस एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ। अगर दोस्तों इस डिवाइस के फीचर के बारे में बात करें तो आपको इस नोकिया 6300 4G फीचर फोन के अंदर YouTube, WhatsApp, Facebook एंड Google असिस्टेंट का फीचर देखने को मिल जाएगा। एंड सबसे कमाल की बात दोस्तों यह है कि इसके अंदर आपको वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों एक कीपैड फोन के लिए यह एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है कि उसके अंदर हमें वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट का ऑप्शन देखने को मिले। बट दोस्तों ये दोनों फीचर हमें इस नोकिया 6300 4G फीचर फोन के अंदर देखने को मिल रहा एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे कमाल के स्पेक्स देखने को मिल जा रहा है इस नोकिया 6300 कीपैड 4G फीचर फोन के अंदर। सो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इसी डिवाइस के फुल स्पेक्स के बारे में, यानी इसके अलावा और क्या क्या कमाल का हमें इसमें स्पेक्स देखने को मिल जाता है एंड ये डिवाइस इंडिया के अंदर कब तक एंड कितने प्राइस के साथ देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हो इस नोकिया 6300 कीपैड 4G फोन के फुल एंड कंफर्म स्पेक्स के बारे में जानने के लिए सो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखते रहिएगा। साथ ही में वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही में चैनल पे पहली बार हो तो यार नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको दबा के साथ ही में पास वाले बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सो आइए दोस्तों बात करते हैं इस नोकिया 6300 4G फीचर फोन के स्पेक्स के बारे में। सो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो इस डिवाइस के अंदर हमें 2.4 इंच का क्यूविजेट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जो कि एक कीपैड फोन के रिगार्डिंग काफी ज्यादा बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। एंड वहीं अगर इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें तो क्वालकॉम 250 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है इस डिवाइस के अंदर। एंड वहीं अगर इसके रैम एंड इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात करें तो 512 MB का रैम देखने को मिल जाता है एंड साथ ही में 4GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। जहां दोस्तों 4GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा जो कि ये एक बहुत ही कमाल की बात हो जाती है। एंड साथ ही में आप इसको 32GB तक एक्सपेंडेबल भी कर सकते हो। एंड वहीं अगर इसके सिम स्लॉट्स के बारे में बात करें तो नैनो सिम टाइप देखने को मिल जाएगा इस डिवाइस के अंदर। एंड वहीं अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको कायोस देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों ये एक बहुत ही कमाल की बात हो जाती है इस कीपैड 4G फीचर फोन के लिए कि इसके अंदर हमें कायोस देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों कायोस का अगर आपको मीनिंग नहीं पता है कि क्या होता है तो गाइस कायोस का मतलब वो होता है कि अगर हम एंड्रॉइड फोन में जो वर्क कर रहे हैं तो वो वर्क हम इस डिवाइस के अंदर भी कर सकते हैं। तो यही होता है दोस्तों कायोस जो कि इस डिवाइस के अंदर देखने को मिल रहा। एंड वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब एंड गूगल असिस्टेंट का फीचर देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों इस डिवाइस का ये फीचर कैसा लगा मुझे कॉमेंट के नीचे जोर से बता दीजिएगा। एंड साथ ही में इसी बात पे यार इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो इस वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं इस कीपैड 4G फीचर फोन के कैमरे सेटअप के बारे में। तो रियर साइड में आपको सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा जो कि 2 MP के साथ आता है। एंड साथ ही में आपको साइड में एक LED फ्लैश भी देखने को मिल जाएगा। एंड वहीं अगर इस डिवाइस के कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा, वायरलेस FM रेडियो भी देखने को मिल जाएगा एंड साथ ही में चार्जिंग के लिए USB पोर्ट देखने को मिल जाएगा। एंड वहीं अगर इसके बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस नोकिया 6300 4G फीचर फोन के अंदर हमें 1500 mAh का रिमूवेबल बैटरी देखने को मिल जाएगा। सो गाइस इतना सब कुछ स्पेक्स देखने को मिल रहा है इस नोकिया 6300 4G फीचर फोन के अंदर। एंड सबसे कमाल का इसमें चीज देखने को मिल जाता है इसका वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट का फीचर जो कि आज तक के किसी भी कीपैड फोन के अंदर देखने को नहीं मिला है। एंड साथ ही में आप इसमें यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड गूगल असिस्टेंट का भी मजा ले सकते हो। सो गाइस इस कीपैड 4G फीचर फोन का सबसे कमाल का फीचर आपको कौन सा लगा मुझे कमेंट के नीचे जोर से बता दीजिएगा। एंड साथ ही में वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब फाइनल दोस्तों बात कर लेते हैं इस डिवाइस के प्राइस एंड इंडिया लॉन्चिंग डेट के बारे में। सो गाइस ये डिवाइस अभी यूरोप के अंदर लॉन्च हुआ है एंड वहीं अगर इसके यूरोप के अंदर प्राइस की बात करें तो यूरोप के अंदर इस डिवाइस को 79 यूरो के साथ लॉन्च किया गया है जिसको अगर हम इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करें तो तकरीबन 4330 रुपीज होता है, यानी 4330 रुपए होता है। एंड वहीं अगर इसके इंडिया लॉन्चिंग डेट के बारे में बात करें सो गाइस इसके बारे में भी कुछ भी कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर नोकिया की तरफ से ऐसा कुछ भी कंफर्म इंफॉर्मेशन आता है इंडिया लॉन्चिंग डेट को लेकर तो इस पे मैं जोर से वीडियो बनाऊंगा। सो यार उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे मैं इस नोकिया 6300 का इंडिया लॉन्चिंग डेट के बारे में वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।
है। सो फाइनली यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा एंड मुझे कमेंट के नीचे जोर से बता दीजिएगा कि आप इस डिवाइस का वेट करने वाले हो या फिर नहीं, तो मुझे कमेंट के नीचे जोर से बता देना।